अबूझमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से जवानों को बड़ी संख्या में उतारा गया और उद्देश्य था कि बड़े स्तर के जो माओवादी हैं उनकी सूचना मिलने पर उन्हें घेरा जाए। इस बार एक बार फिर से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके घमंडी के जंगलों में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग दो दिनों तक ये मुठभेड़ रह कर चली है। और मुठभेड़ के बाद जवानों को क्या कुछ सफलता मिली, इसको लेकर एक दिन पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी और आज एक बार फिर बस्तर आईजी ने इस पर कुछ और अपडेट साझा किया है, तो मुझे लगा उस अपडेट से भी आपको रूबरू किया जाए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं माओवादियों के खिलाफ। इस दरमियान हर किसी के दिमाग में एक बात थी कि क्या बारिश के समय या मानसून के समय बस्तर के उन इलाकों में जिन इलाकों में नदी नाले उफान पर होते हैं उस इलाके में दोबारा इस तरह से बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकेंगे। तो उस सवाल का जवाब देते हुए जवानों ने एक बार फिर से बस्तर के अबूझमाड़ के बेहद अंदरूनी इलाकों में फिर से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस आईजी सुंदर आजपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 पुरुष माओवादियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और उनके पास से उनके हथियार भी बरामद किए गए हैं। हथियार में 303 और 12 बोर जैसे हथियार हैं। हालांकि बीते मुठभेड़ों की तरह इस मुठभेड़ में ऑटोमेटिक वेपन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान के दरमियान इस बात का जिक्र किया कि सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की सुरक्षा में तैनात रहने वाली कंपनी नंबर 1 के ये सारे माओवादी थे जो मारे गए। जो माओवादी हैं उनके शव को लेकर जवान वापस मुख्यालय की तरफ लौट रहे हैं और अभी इस वीडियो को शूट करने के कुछ ही देर पहले वो जो नारायणपुर के आसपास के कैंप है वहाँ पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि अब तक मारे गए माओवादियों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। हालांकि पुलिस ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है। क्या कहा है बस्तर आईजी ने, वो आप सुनिए। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों से काफ़ी अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसी सिलसिला में दिनांक 30 जून को जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से DRG, STF, ITBPM, BSF के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबूझमाड़ की गमंडी और हितलौर इलाके में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं और उनकी मुठभेड़ स्थल से 1 303 राइफल, 3 315 बोर राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में मजल लोडिंग राइफल, BGL शेल्स और आर्म्स अम्यूनिशंस और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद किए गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो कंपनी नंबर 1 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन में जो कंपनी जो माओवादियों का तैनात रहते हैं उसी का कैडर्स के रूप में इसका शिनाख्त की जा रही है, लेकिन अभी विस्तार का जो शिनाख्ती कार्रवाई अभी तब पूरा डिटेल आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो जाए उसके पश्चात ही मिल सकता है। अभी संभवतः मतलब उस इलाके में जो आमतौर पर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का जो हाइड आउट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई लेयर में जो माओवादियों कैडर्स का जो टीम रहते हैं इस पर PLG कंपनी नंबर 1 का होने का पूरा संभावना दिख रहा है। अब तक वर्ष 2024 में विगत 6 महीने में अभियान में कुल 136 जो माओवादियों के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। जो कल की मुठभेड़ में प्रमुख रूप से नारायणपुर DRG, STF की टीम और भी जैसा बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा का सभी का DRG टीम का भी इसमें योगदान रहा और 53 बटालियन ITBPM, 135 बटालियन BSF का भी इसमें सराहनीय भूमिका रहा है। इस प्रकार संयुक्त अभियान के माध्यम से विगत दिनों में बस्तर क्षेत्र अंतर्गत हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ और आगामी दिनों में भी इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी ऑपरेशंस जारी, सर्चिंग तो लगभग समाप्त होगी, लेकिन आसपास री इन्फोर्समेंट टीम्स भी जो अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो पूरा अभियान कंप्लीट होने के बाद भी अभी हम अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो प्राथमिक जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं जैसा अभियान का
संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें और भी अधिक जानकारी हम उपलब्ध करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से बस्तर आईजी ने बताया कि 5 माओवादी मारे गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से जवान मारे गए माओवादियों के शव को लेकर अपने साथ लौट रहे हैं और जब इन्हें वापस लेकर सारे जवान पहुंच जाएंगे। हालांकि बस्तर आईजी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि बहुत बड़ी संख्या में जवानों को इस ऑपरेशन के लिए उतारा गया था, सारे जवान अब तक वापस पहुंचे नहीं हैं, इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन से बहुत सारे खुलासे नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि जवानों की सुरक्षा का हवाला उन्होंने दिया है। लेकिन जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 5 माओवादियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। 30 जून को नारायणपुर के कोकामेटा और सोनपुर कैंप, इरक भट्टी कैंप से मोहंदी कैंप और ढोडरी बेड़ा से DRG, BSF, STF और ITBP की संयुक्त पार्टी को इस ऑपरेशन के लिए हिकुलनार घमंडी की ओर रवाना किया गया था। हिकुलनार और घमंडी अगर आप मैप पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र और अबूझमाड़ के बीच का इलाका है। इस संयुक्त अभियान के दौरान मतलब 30 तारीख को निकले थे और 2 तारीख को मतलब दो दिन उन जंगलों में चलने के बाद जवानों की मुठभेड़ हुई। हिकुलनार और घमंडी के बीच में सुबह लगभग 10:30 बजे ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा घटना स्थल की सर्चिंग की गई जिसमें 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और इनके जो हथियार बरामद किए गए हैं उसमें 1 नग .303 राइफल, 3 नग .315 बोर राइफल और 2 नग .मजल लोडिंग राइफल। ये मजल लोडिंग राइफल क्या है मैं भी नहीं देख पाया हूँ अभी तक, थोड़ा सा संदेह इस राइफल को लेकर कि किस तरह का राइफल होगा। साथ ही साथ BGL लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जो नारायणपुर के SP हैं प्रभात कुमार, उन्होंने दावा किया है कि ये मुठभेड़ बहुत बड़ी थी, वहाँ और भी माओवादी घायल हुए हैं और उनके मारे जाने की प्रबल संभावना व्यक्त की है उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि DRG, STF और BSF के 135वीं वाहिनी का बल इसमें सम्मिलित था और इसके साथ ही साथ अब तक कुल 136 माओवादियों के शव, जब से 2024 का आगाज हुआ है तब से अब तक 136 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 482 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 453 माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा चुका है। ये आंकड़े बस्तर आईजी सुंदर HP ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए हैं और ये भी कहा है कि जो बस्तर की फोर्स है, बस्तर के जो जवान हैं, वो बस्तर के आदिवासियों को इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें माओवादियों से पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है, अभी तो प्रत्येक माओवादी की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि PLGA की कंपनी नंबर 1 की ये टीम है जो सेंट्रल कमेटी की सुरक्षा में तैनात रहती है। साथ ही साथ इसके संबंध में अभी और विधिवत जानकारी मिलना शेष है। जवान वापस लौट रहे हैं, लगभग आज 3 तारीख है, 30 तारीख से निकले जवान आज 3 तारीख को वापस लौट रहे हैं। मैं देख रहा हूं बीते दिनों लगातार सभी ऑपरेशन में कि किसी एक पिन पॉइंट को टारगेट करके जवानों को चारों तरफ से, जैसे इस मुठभेड़ में भी कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर, बस्तर जिले से भी DRG के जवानों को, STF के जवानों को गोलबंद घेराबंदी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस इलाके में माओवादी हैं उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि माओवादी किसी भी क्षेत्र से निकल ना पाए और उसके बाद उन पर हमला किया जाए। बीते सभी मुठभेड़ों में यही देखा है मैंने, बीते मुठभेड़ जो कुतूल के आगे जो धर्माबेड़ा के इलाके में हमने देखा, उसमें भी देखा कि 8 माओवादी थे जो किस तरह से 1600 जवानों के घेरे में थे और फंस गए थे और मुठभेड़ के बाद उन सबकी मौत हो गई थी। ये जो 5 माओवादी मारे गए हैं इसको लेकर अब तक किसी तरह का प्रेस नोट माओवादियों ने नहीं जारी किया है, लेकिन पुलिस ने बताया कि बड़े माओवादियों के सुरक्षा में तैनात माओवादी थे। आज मैंने बस्तर IG से ये सवाल भी पूछा कि बार बार बड़े माओवादियों को टारगेट करके ऑपरेशन किए जा रहे हैं, माओवादियों को बड़ी संख्या में मारा भी जा रहा है, लेकिन बड़े माओवादी हर बार निकल कैसे जाते हैं। हालांकि ये भी पुलिस का दावा है कि बीते दिनों टेकामेटा के मुठभेड़ में जोगन्ना जैसे माओवादी और बीते दिनों हापाटोला के माओवाद मुठभेड़ में जिसमें 29 माओवादी मारे गए उसमें भी बड़े स्तर के माओवादी मारे गए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि CC स्तर के माओवादी उस घटना स्थल पर मौजूद थे और उनकी सूचना पर ही ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अब तक उस स्तर के माओवादी नहीं मारे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माओवादी जो बड़े स्तर के हैं
अबूझमाड़ में लगातार हो रहे ऑपरेशन को देखकर अब अबूझमाड़ छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हों। या ऐसा तो नहीं कि कहीं सूचना बड़े माओवादियों की जरूर मिल रही है लेकिन वहाँ होते छोटे स्तर के ही माओवादी हों, कुछ भी हो सकता है, जाँच का विषय है। और माओवादियों का पत्र इस पर कोई आए तो हम आपको बताएंगे। पुलिस के द्वारा जो बयान है वो हमने आपको सुना दिया। मुझे लगा इस मुठभेड़ से जुड़ी इस अपडेट को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।